हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं और क्या प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। क्या मेरिट बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं या फिर कोई एंट्रेंस टेस्ट है किसी कोर्स को लेकर, और एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्वेश्चंस होते हैं, कैसे स्कोरिंग की जाती है, कैसे मार्किंग की जाती है, क्या रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको एडमिशन कैंसिल करना है तो कितने चार्जेस पे करने होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड कैटेगरी के लिए या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए क्या क्या चार्जेस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं और कितने कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है जो कि 2020 और 2021 सेशन के लिए है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर रजिस्टर करना बेहद ज़रूरी है, जिसका वेबसाइट एड्रेस है ug.du.ac.in। रजिस्ट्रेशन 4 जुलाई से पहले करना होगा क्योंकि स्टार्टिंग डेट इसकी है 20 जून 2020 एंड क्लोजिंग डेट है 4 जुलाई 2020। किसी भी वैलिड ईमेल आईडी से आप लॉगिन आईडी जनरेट कर सकते हैं। इस लॉगिन आईडी को आपको ध्यान रखना होगा, इसी से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा और आप सारी इन्फॉर्मेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और कॉलेजेस की कट ऑफ लिस्ट को लेकर और सारी इन्फॉर्मेशन आप इसी पर ही पाएंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे रजिस्टर करने के बाद आप, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, सभी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी वो भी ऑनलाइन ही पे करनी है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है, किसी भी ऑफलाइन एडमिशन को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिसकी लिस्ट आपको बाद में बताई जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है आइए जानते हैं उसके बारे में। रजिस्ट्रेशन फी फॉर मेरिट बेस्ड कोर्स, ओबीसी कैटेगरी और जनरल कैटेगरी के लिए 250 की रजिस्ट्रेशन फीस है। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस यानी फिजिकली चैलेंज विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए 100 रुपीज़ की है। ईसी और स्पोर्ट्स के लिए 100 रुपीज़ की है। अगर आप किसी कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना चाहते हैं उसकी है 750। आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने दो कोर्सेज में अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपकी रजिस्ट्रेशन चार्जेस बनेंगे 1500। एडिशनल रजिस्ट्रेशन फी फॉर ईच एंट्रेंस बेस्ड कोर्स फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 है। अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं तो उसके लिए है 1000 रुपीज़ कैंसिलेशन चार्जेस हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए दो तरीके हैं, या तो आप मेरिट लेवल पे आप सेलेक्ट होते हैं एडमिशन के लिए, या फिर आप एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के बाद एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। अब मेरिट बेस्ड एडमिशन क्या है? मेरिट बेस्ड एडमिशन मींस जो आपके 12th में मार्क्स आते हैं या जो परसेंटेज आती है और जिस कॉलेज में कोर्स करने के लिए आपने अप्लाई करा है उसकी कट ऑफ लिस्ट निकलती है। उस कट ऑफ लिस्ट में अगर मान लीजिए 85% तक निकली है और आपके 85% ही हैं या 90% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए। तो ये था मेरिट बेस्ड, मींस आपकी स्कोरिंग उस कॉलेज के अकॉर्डिंग मीट कर गई है और आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। मेरिट बेस्ड में आप एडमिशन किसी भी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपने अप्लाई किया है, ले सकते हैं। सेकेंड प्रोसेस है इसका एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। एंट्रेंस टेस्ट क्या है, वो किन कोर्सेज के लिए है और उसको कौन कंडक्ट कराता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाती है। इंटरनेशनल लेवल के बेसिस पे ये टेस्ट कंडक्ट कराती है जो कि इन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट अवेलेबल हैं। आप इन कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, बी ए ऑनर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, बीटेक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन,
BA Honors Humanities and Social Science, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Science in Physical Education, Health Education and Sports, BA Honors Multimedia and Mass Communication, 5-year Integrated Program in Journalism. इन सभी कोर्सेज के लिए आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं। अब आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है, अगर आप एक से ज़्यादा कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट की डेट और शेड्यूल और टाइमिंग क्लैश कर जाते हैं। आपको किसी भी केस में रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो सेंटर्स एलोकेट किए गए हैं वो हैं अहमदाबाद, चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, रांची, बेंगलोर, चेन्नई, इम्फाल, मुंबई, श्रीनगर, भोपाल, दिल्ली NCR, जयपुर, नागपुर, तिरुवनंतपुरम, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जम्मू, पटना, वाराणसी। दिल्ली NCR में जिन सिटीज़ में एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं वो हैं दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद एंड गाजियाबाद। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट बेस पे एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। अगर आप मेरिट बेस पे एडमिशन ले रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको रजिस्टर ऑनलाइन करना बेहद ज़रूरी है, जो कि 4th of July से पहले करना है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रेफर्ड कॉलेज है उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो है क्लास 12th का सर्टिफिकेट, रेलेवेंट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स फॉर एडमिशन अंडर स्पोर्ट्स और ECA कैटेगरी, म्यूजिक के केस में लिंक ऑफ द अपलोडेड क्लिप फॉर एडमिशन और फोटो आइडेंटी कार्ड, ये आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, पैन कार्ड, वोटर आइडेंटी कार्ड, पासपोर्ट या फिर स्कूल का आइडेंटी कार्ड। ये सब इन्फॉर्मेशन ट्रू होनी चाहिए। इन केस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपका एडमिशन इमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, फीस पे करते हैं। ये फीस आपको डैशबोर्ड पे एक लिंक आएगा, उसी के थ्रू करनी है और ट्रांजैक्शन को संभाल के रखना है फॉर फ्यूचर यूज़। उसके बाद आप पोर्टल शॉर्ट टाइम के लिए वन टाइम आप ओपन कर सकते हैं टू मेक माइनर चेंजेस और करेक्शंस। इसी डैशबोर्ड पर आपको कट ऑफ लिस्ट भी शो होगी कि कौन कौन से कॉलेजेस की कट ऑफ लिस्ट आई है और आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। ये चेक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको टाइम दिया जाता है कि आप उस कोर्स को उस कॉलेज से करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। जब आप फाइनलाइज कर देते हैं कॉलेज को तो फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है ऑनलाइन, और उसके बाद एडमिशन फीस पे करने के बाद आपको वो कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। इन केस ऑफ मेरिट के केस में एडमिशन हो जाता है और आपको ये कॉलेज अलॉट होने के बाद आप यहाँ इस कॉलेज से एडमिशन ले सकते हैं और इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी होता है। अगर किसी भी स्टेज पर ये फॉल्स पाए जाते हैं तो आपका इमीडिएटली एडमिशन कैंसिल हो जाता है, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो, और किसी भी फीस का कोई रिफंड नहीं मिलता है। अब है मेरिट के बेस पे, एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे कैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं, एंट्रेंस टेस्ट हो जाता है और उसका रिजल्ट आता है, तो उसके बाद आप कैसे आप एडमिशन लेते हैं। एंट्रेंस टेस्ट के स्कोरिंग के बेस पर उसका 65% वेटेज लिया जाता है और 35% वेटेज आपका एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड अंडर ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, डॉक्यूमेंट की लिस्ट वही सेम है जो मेरिट बेस्ड के लिए थी, 10th 12th का सर्टिफिकेट, SC ST का सर्टिफिकेट, इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है। एडमिट कार्ड की आपको प्रिंटेबल कॉपी रखनी होती है। जब आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं तो आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना होता है वेरिफिकेशन के लिए, इसका ले जाना कंपलसरी है। जब आपको एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर आ जाते हैं उसके बाद ये लिस्ट है जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं।
जब एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है, रिटर्न प्रैक्टिकल या ट्रायल जो भी है, उसका आपका 65% वेटर लिया जाता है और बाकी 35% आपका 12th के मार्क्स इंक्लूड किए जाते हैं। इस एंट्रेंस टेस्ट के वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप एलिजिबल होते हैं किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं। आप खुद चूज़ करते हैं कि आपको ये कोर्स इस कॉलेज से लेना है या नहीं लेना है। आपको आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये कोर्स और कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। उसके बाद फीस पे करने के बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, फिर फीस पे करने के बाद आपको ये कॉलेज अलॉट किया जाता है और आप इस कॉलेज में इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। तो ये था कि आप मेरिट बेस पे और एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे कैसे एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन किस केस में कितना है? रिजर्वेशन एससी के केस में, ओबीसी के केस में 27% रिजर्वेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर और सेंट्रल लिस्ट के लिए 27% सीट रिजर्व्ड है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर। और अगर आप एससी कोटे में हैं या शेड्यूल ट्राइब में हैं तो 22.5% सीट्स रिजर्व्ड हैं। और अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में हैं तो आपके लिए सीट रिजर्व्ड हैं 10%। अगर आप फिजिकली चैलेंज्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं या फिर चिल्ड्रन ऑब्लिक विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेस हैं, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, तो आपके लिए सीट रिजर्व है 5%। और 5% ही सीट रिजर्व हैं चिल्ड्रन और विडोज ऑफ पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस। तो ये था रिजर्वेशन और एडमिशन प्रोसेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस और एंट्रेंस टेस्ट के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, किस बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।